नमस्कार दोस्तों, हीरो होंडा के बाइक का नाम आप भी जरूर सुने होंगे। हीरो होंडा की बाइक मजबूती, माइलेज और सस्ती होने के वजह से लोग आज भी इस कंपनी के बाइक को खरीदने के सपने देखते हैं। साल 1984 में हीरो होंडा में पार्टनरशिप हुई और 26 सालों तक सब कुछ ठीक ठाक रहा। लेकिन साल 2010 में दोनों कंपनी के बीच ऐसा क्या हुआ कि हीरो होंडा के रास्ते अलग अलग हो गए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हीरो होंडा क्यों अलग हुई। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साल 1956 में हीरो की शुरुआत ब्रिजमोहन लाल मुंजाल ने किए थे। उस समय हीरो कंपनी साइकिल बनाया करती थी। जैसे जैसे समय बदला, बाजार में साइकिल की जगह लोग मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करने लगे। इसीलिए हीरो कंपनी भी अपनी मोटरसाइकिल बाजार में लॉन्च करने की सोची। लेकिन उस समय हीरो कंपनी के पास इंजन बनाने के लिए टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस नहीं थी। अपनी इसी कमी को दूर करने के लिए हीरो कंपनी ने जापानी कंपनी होंडा के साथ साल 1984 में पार्टनरशिप करती है और दोनों कंपनी के बीच एग्रीमेंट ये हुआ कि हीरो कंपनी मोटरसाइकिल की बॉडी बनाएगी और होंडा उसके लिए इंजन सप्लाई करेगी। अपनी इसी एग्रीमेंट के बाद हीरो होंडा ने अपनी पहली प्लांट हरियाणा में बनाया और बाइक मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू कर दी। साल 1985 में हीरो होंडा ने अपनी पहली बाइक हीरो होंडा सिटी 100 को लॉन्च किया और इसे पॉपुलर करने के लिए सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर चुना। बाजार में लॉन्च होते ही हीरो होंडा सिटी 100 लोगों के दिलों पर राज करने लगी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों कंपनी को अलग होना पड़ा? तो दोस्तों, इसी बीच अचानक जापान की करेंसी वैल्यू बढ़ जाती है और जापान से आने वाले स्पेयर पार्ट महंगे हो गए। इसके साथ साथ होंडा अपनी बाइक विदेशों में बेचती थी, लेकिन हीरो होंडा को होंडा की तरफ से अपनी बाइक विदेशों में बेचने की परमिशन नहीं थी, जिसके कारण हीरो कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में जगह नहीं बना पा रही थी और इसी वजह से हीरो होंडा के बीच रिश्ते बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ी वजह ये रही कि हीरो होंडा जो भी बाइक इंडिया में बनाती, उसी सेगमेंट और प्राइस रेंज में होंडा भी विदेशों में गाड़ियां बनाकर बेचने लगी। जैसे कि होंडा यूनिकॉर्न के सामने हीरो होंडा CBZ और होंडा साइन के सामने स्प्लेंडर प्लस जैसी गाड़ियां बाजार में मौजूद थी। इसी कारण हीरो होंडा की बाइक बहुत कम बिकने लगी और हीरो ग्रुप को नुकसान होने लगा। इन्हीं प्रॉब्लम के कारण हीरो होंडा 2010 में पार्टनरशिप तोड़कर अलग हो गई। तो दोस्तों, ये कारण था हीरो होंडा के अलग होने का। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।